शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह की गाड़ी का चालान कटने की खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि इंडिया गेट के पास सत्यपाल सिंह को इवन गाड़ी के साथ पकड़ा गया। आपको बता दें, आज से ही ये नियम लागू हुआ है। आज दिल्ली में सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलनी है, लेकिन अखबार का दावा है कि सत्यपाल सिंह की गाड़ी पर इवन नंबर था, जिसकी वजह से उन्हें रोका गया। हालांकि खबर ये सामने आ रही है, लेकिन इस बीच आज तक से खास बातचीत में सत्यपाल सिंह ने यह कहा है कि उनकी गाड़ी जिस कैटेगरी में आती है उसे इस नियम से छूट है, और इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को छूट मिलनी चाहिए, उस कैटेगरी में है। लेकिन साथ ही जो नियम अरविंद केजरीवाल सरकार ने बताए थे उसके तहत सांसदों को ऐसी छूट नहीं दी गई है। और ये तस्वीर सामने आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अखबार की ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें ये तस्वीर छापी गई, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी को रोकते हुए दिखाई दिए गए। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आतिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिर, अभी क्या कुछ इस घटना के बारे में पता चल पा रहा है, क्योंकि एक तरफ से तस्वीर सामने आ रही है लेकिन दूसरी तरफ खंडन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सत्यपाल सिंह आज गए थे इंडिया गेट, क्योंकि वहां पर कोई साइकिल रैली थी जिसका उद्घाटन करना था। इस साइकिल रैली को पाकिस्तान जाना है और उसके चलते उनकी वहां पर उपस्थिति थी। लेकिन अंग्रेजी अखबार के हवाले से एक फोटोग्राफ आई जिसमें कथित रूप से वो गाड़ी जो थी वो सत्यपाल सिंह साहब की बताई गई, और उसमें ये कहा गया कि ये इवन नंबर की गाड़ी थी। लेकिन जब हमारी सत्यपाल सिंह से बात हुई तो उनका साफ कहना था कि वो वहाँ इंडिया गेट गए थे और रैली के उद्घाटन के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनकी गाड़ी खड़ी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार भी जब हमारी बात हुई है तो उनसे भी कोई भी उनके चालान होने की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिलहाल अभी स्थिति साफ है कि जो सत्यपाल सिंह है उस बात का खंडन कर रहे हैं कि उनका कोई चालान हुआ या उनकी किसी गाड़ी को रोका गया है। आतिर, फिर कंफर्म करना चाहूंगी आपसे, पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से भी ये कहा गया कि चालान नहीं कटा है? बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों की भी जो अभी हाल ही में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उनका चालान नहीं कटा है। Actually, it was parked there. You know, I was finding out where exactly is the function. That's so, all. So why did the traffic constable stop? There was a photo of you and the traffic constable talking. I called the traffic constable to find out what is happening on this, that kind of thing. Sir, no, nobody stopped me. Nobody stopped you, nobody. Sir. Just for clarification, was it an even numbered car or an odd number card? The vehicle I was sitting in, it was an even number. But since you are exempted from the category, there's no question of traffic constable stopping you. Nobody stopped me. There nobody stopped me. So you self called the traffic constable and. I was finding out because my constables, they were finding out where exactly is the function. So this vehicle was already stopped there. It was halted there, and the meanwhile some people were taking a photograph. And I called the police constable to finding out. Sir, one final question. In the social media, people associated with Aam Aadmi Party are raising question about not only you but also the party BJP, saying they are generally of nature of violation. They indulge in such activities. How do you respond to such accusations? Yeah, I don't want to reply to such kind of the wild allegations. As far as I am concerned or BJP concerned, we are always follow the law. And as far as I am concerned, particularly I am concerned, I am always throughout my career. It is my duty and to get it done. So there you have it, former commissioner of police as well as the member of parliament of right now, Dr. Satyapal Singh, making it clear that yes, it was an even numbered card, but तो यहाँ पर खास बातचीत सत्यपाल सिंह ने आज तक से की, और इसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनका चालान नहीं काटा गया, बल्कि उन्होंने खुद कांस्टेबल को बुलाया था और गाड़ी कहाँ पार्क करनी है ये बात पूछी थी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये तस्वीर रीट्वीट की थी एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से, जिसमें ये कहते हुए इसे रीट्वीट किया गया कि उनका चालान कटा और उनकी गाड़ी का इवन नंबर था, जिसकी वजह से उनका ये चालान काटा गया। लेकिन खुद इस बात का खंडन सत्यपाल सिंह ने किया और उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो कांस्टेबल्स ने रोका, बल्कि उन्होंने खुद कांस्टेबल को बुलाया क्योंकि वो एक रैली में शामिल होने के लिए गए थे और गाड़ी
पार्क करने कहां पार्क की जाए इस बारे में वो जानकारी ले रहे थे। ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर को ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट में ये कहा गया था कि उनका चालान कटा है आज के इस नियम को देखते हुए।